पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा की सारी सीटें जीतने का दावा कर दिया। लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पर भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कुमाऊं दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पोखरियाल ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है, आने वाले चुनावों में सभी लोकसभा सीटें भाजपा के कब्जे में होंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितने कानून बना दिए आप देखिए, नकल विरोधी कानून, कितना सशक्त कानून। अभी मैंने कहा कि ये जो समान नागरिक संहिता नई पहल, अभी जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का, उनको हटाने का अभियान वो है, अभी जो धर्मांतरण विरोधी कानून है। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं बोलने लगूँ कि इस समय कितना पुष्कर सिंह धामी जी ने कितना काम किया, तो घंटों लग जाएंगे। उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और अच्छा काम कर रहे हैं, और युवा हैं और अच्छा ही काम करना है। प्रधानमंत्री जी का उनको संरक्षण है, मार्गदर्शन है, और वो अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि वो एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।